सलमान खान की मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर फिल्म टाइगर 3 इस दिवाली पर रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। दर्शकों को टाइगर फ्रेंचाइजी के सीक्वल का लंबे समय से इंतजार था। अब सलमान खान अपने फुल एक्शन अवतार के साथ एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। टाइगर 3 इसी 12 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। फिल्म के पहले दिन की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट सामने आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के 77.5 के टिकट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। ऐसे में फिल्म रिलीज से पहले ही करोड़ों का कारोबार कर चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं इस साल की डे वन की हाईएस्ट एडवांस बुकिंग कौन सी मूवीज की रही है। सबसे पहले आती है शाहरुख खान की जवान, जिसकी पहले दिन की एडवांस बुकिंग 5,57,000 टिकट्स की रही थी। दूसरे नंबर पर भी शाहरुख खान की ही पठान है, जिसकी टोटल बुकिंग 5,56,000 टिकट्स की रही थी। तीसरे नंबर पर प्रभास की आदि पुरुष थी, जिसने 285 के टिकट्स अपने नाम किए थे। चौथे नंबर पर सनी देओल की इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म गदर 2 रही, जिसने 274 के टिकट्स का कारोबार किया था। इसके बाद रॉकी रानी की प्रेम कहानी ने 80.5 के टिकट्स का कारोबार किया, जो इस साल कहीं ना कहीं अच्छी खासी बिक्री लेकर गई। टाइगर 3 का नाम मूवी की रिलीज के 5 दिन पहले से ही छठे नंबर पर आ चुका है। पहले दिन के लिए मूवी की 77.5 के टिकट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। सातवें नंबर पर आती है रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की तू झूठी मैं मक्कार, जिसने पहले दिन के लिए 73,000 टिकट्स की बुकिंग एडवांस में करवा ली। आठवें नंबर पर अक्षय कुमार की OMG 2 ने बाजी मार ली है। 72.5 के टिकट्स की एडवांस बुकिंग के साथ ये फिल्म आठवें पायदान पर है। नौवें नंबर पर सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान आती है, जिसने 58,000 टिकट्स की एडवांस बुकिंग करवा ली थी। आखिरी नंबर पर आती है सत्य प्रेम की कथा, जिसने 58,000 टिकट्स की एडवांस बुकिंग अपने पहले दिन के लिए करवा ली थी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने को जरूर मिला होगा। एंटरटेनमेंट की ऐसी ही बड़ी से बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया TV शोबिज़।